इस बार AI का इस्तेमाल कैसे बन रहा है बड़ा फैक्टर, चुनावी रैलियों से लेकर रोड शो में कर सकती है मदद। नई दिल्ली, दुनिया के सबसे बड़े चुनावी उत्सव का बिगुल बजते ही राजनीतिक पार्टियां बड़े स्तर पर सोशल मीडिया का प्रयोग तो कर रही हैं, साथ ही इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI भी बड़ा फैक्टर साबित होने जा रहा है। प्रचार में नई नई तकनीकों का प्रयोग करने में BJP अभी बाकी राजनीतिक दलों से आगे ही दिखाई दे रही है। पिछले साल दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी तमिल संगमम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के AI तकनीक का उपयोग करके वास्तविक समय में तमिल दर्शकों के लिए अनुवादित किया गया। हिंदी भाषण का तमिल में अनुवाद करने के लिए एक खास AI टूल का इस्तेमाल किया गया था जो असली समय में काम करता है। मतलब ये है कि भाषण होते वक्त ही अनुवाद कर देता है। आने वाले चुनाव में बड़े नेताओं की रैलियों या रोड शो के आयोजन में भी AI तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है। क्या कहना है एक्सपर्ट्स का? साइबर कानून विशेषज्ञ और सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग बताते हैं कि अमेरिका में सीनेट की खुफिया और नियम समिति के सदस्य सीनेटर बेनेट ने व्हाट्सएप और फेसबुक के मालिकाना हक वाली कंपनी मेटा से पूछा है कि भारत के चुनाव में डीप फेक के इस्तेमाल से सोशल मीडिया में फर्जी और झूठी सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए उनकी क्या तैयारी है। इससे साफ है कि AI के सप्लीमेंट्स में सोशल मीडिया में ऑडियो, वीडियो और डिजिटल कंटेंट का प्रसार करने के साथ पार्टियां इसका ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। ऐसे में ये बड़ा फैक्टर हो सकता है। कैसे किया जा रहा है प्रयोग? 2024 के लोकसभा चुनाव में व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग मंच और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का सहारा तो लिया ही जाएगा, साथ ही AI के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने का प्रयास भी किया जाएगा। लोकसभा चुनाव में प्रमुख राजनीतिक पार्टियों को पूरे देश में प्रचार करना पड़ता है। दक्षिण भारत जैसे राज्यों में जब उत्तर भारत के नेता प्रचार करते हैं तो उनके भाषणों को अलग अलग भाषाओं में बदलने के लिए AI का इस्तेमाल किया जाएगा। बंगाली, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, मराठी, उड़िया और मलयालम जैसी भाषाओं में भी भाषण सुना जा सकता है। पाकिस्तान में हाल ही में आम चुनाव संपन्न हुए हैं और पड़ोसी देश में भी आम चुनाव में AI का इस्तेमाल देखने को भी मिला था। इमरान खान की पार्टी ने उनके नए भाषणों में उनकी आवाज़ की कॉपी करने के लिए AI तकनीक का इस्तेमाल किया था। चुनौती भी कम नहीं। एडवोकेट विराग गुप्ता कहते हैं कि KN गोविंदाचार्य की अर्जी के बाद अक्टूबर 2013 में चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए नीति बनाई थी। उन नियमों के अनुसार AI के इस्तेमाल के नियमन की तीन पहलू हैं। पहला कंटेंट की सत्यता, दूसरा AI के इस्तेमाल का खर्च, तीसरा चुनाव सामग्री का नियमों के अनुसार अनुमोदन। सरकार ने देश में AI के इस्तेमाल के लिए अनुमोदन के नियम बनाए थे जिन्हें बाद में वापस ले लिया गया। IT इंटरमीडियरी नियमों के अनुसार AI कंपनियों को अपने शिकायत और नामांकित अधिकारियों का ब्यौरा चुनाव आयोग को देना चाहिए जिनके माध्यम से चुनावी पर्यवेक्षक नियमों को अविलंब लागू करके स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कर सकें।